देखिए, शिक्षा मंत्री माननीय विजय चौधरी जी और हम लोग के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने शिक्षक संघ के नेताओं से बात किया है और जो आश्वासन होना चाहिए था, जिन चीज़ों को पूरा किया जा सकता है, उन लोगों के स्तर पर आश्वासन भी दिया गया और अन्य चीज़ों की समीक्षा करने की बात कही गई। इसलिए अब शिक्षक संघ के नेतागण को थोड़ा धैर्य के साथ बिहार सरकार पर विश्वास करना चाहिए और जो भी निर्णय होगा उस दिशा में जो रिजल्ट सामने आएगा उसको देखें लोग, समझे। सम्राट चौधरी जी ने सारी बातों को शिक्षक संघ के नेताओं के साथ कल संध्या में बैठ के बात किया है और गंभीरता से उन चीज़ों को बताया भी है कि मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा जाएगा। यहाँ पे लगातार नियोजित शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा को लेकर विरोध किया जा रहा है। ऐसे में कल बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से तमाम नियोजित शिक्षकों ने मुलाकात की, जिसके बाद आश्वस्त किया गया है तमाम नियोजित शिक्षकों को। हमारे से बात करने के लिए बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, लगातार नियोजित शिक्षक अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, कल आपके आपसे मुलाकात करने भी आए थे। ऐसे में कल आपके उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई है, जिसके बाद आश्वस्त किया गया है, ऐसे में क्या कुछ कहिएगा? देखिए, शिक्षा मंत्री माननीय विजय चौधरी जी और हम लोग के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने शिक्षक संघ के नेताओं से बात किया है और जो आश्वासन होना चाहिए था, जिन चीज़ों को पूरा किया सकता है, उन लोगों के स्तर पर आश्वासन भी दिया गया और अन्य चीज़ों की समीक्षा करने की बात कही गई। इसलिए अब शिक्षक संघ के नेतागण को थोड़ा धैर्य के साथ बिहार सरकार पर विश्वास करना चाहिए और जो भी निर्णय होगा उस दिशा में जो रिजल्ट सामने आएगा उसको देखें लोग, समझे, समीक्षा करें। कब तक समीक्षा हो जाएगी पवन जी, इस तरीके से बात यार इसको देखते हुए? देखिए, अभी तक तो जो चीज़ था पेंडिंग था, लोगों में आक्रोश था, भारतीय जनता पार्टी शिक्षक के मांग जो उचित मांग था उसके समर्थन में पहले से हम लोग रहे हैं, चूँकि हम लोग की सरकार है तो हम लोग चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक सही चीज़ को रखा जाए और माननीय सम्राट चौधरी जी ने सारी बातों को शिक्षक संघ के नेताओं के साथ कल संध्या में बैठ के बात किया है और गंभीरता से उन चीज़ों को बताया भी है कि मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा जाएगा। तो थोड़ा तो धैर्य शिक्षक संघ के नेताओं को रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है और सरकार के मुख्यमंत्री के समक्ष सही विषय जाना चाहिए। पहले जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सही विषयों को रखने का काम नहीं किया। अभी विजय चौधरी जी आए हैं, पूरा मैच्योर्ड है, शिक्षा मंत्री पहले से रहे हुए हैं और हमारे डिप्टी सीएम के बारे में कहना ही नहीं है, सम्राट जी के बारे में जी। ये दोनों लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात करके और जो भी शिक्षकों के हित में, शिक्षण व्यवस्था के हित में जो निर्णय होगा वो निर्णय बिहार सरकार लेने का काम। पवन जी, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं निर्णय लिया जाएगा, शिक्षकों के हित में काम किया जाएगा, ऐसे में अब तेजस्वी यादव के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया गया है जहाँ पर लिखा गया है कि लगातार युवाओं को रोजगार दिया गया उनके सरकार के द्वारा, महागठबंधन सरकार के द्वारा, ऐसे में कई सारी वैकेंसियां पेंडिंग है, जल्द से जल्द उस वैकेंसियों पर बहाली करने की बात कर रहे हैं, नियोजित शिक्षकों को यहाँ तक राज करने का दर्जा की मांग कर रहे हैं। अब ये रोना रोने से कोई फायदा नहीं है, अब सत्ता एनडीए गठबंधन के पास है तो तेजस्वी जी को वेट एंड वॉच करना चाहिए कि आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने किया कि नहीं किया इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम आपने किया है तो देखते तो चाहिए कि अब जो एनडीए की सरकार बनी है, भाजपा गठबंधन की जो सरकार है, जदयू गठबंधन का, ये लोग क्या कर रहे हैं। दिन रात शिक्षकों की बहाली के लिए बैठक हो रही है लगातार, माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और हम दोनों डिप्टी सीएम इन चीज़ों की समीक्षा में लगे हैं और कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं हो जहां शिक्षक के अभाव में शिक्षण कार्य बंद हो, इस दिशा में सरकार प्रयत्नशील है और निश्चित रूप से इस पर खरा उतरने का काम करेगी। 17 साल बनाम 17 महीना का दावा किया जा रहा, कहा यह जा रहा है कि 17 साल में एनडीए की सरकार ने जो कुछ नहीं किया वो 17 महीनों में तेजस्वी आजादी के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक डिप्टी सीएम के पास आधा दर्जन से ज्यादा विभाग है जी। तो आप समझ लीजिए, जब कार्य बहुत ज्यादा होगा तो काम कैसे होगा। इसलिए वो ये बात मत बोले कि 17 साल बनाम 17 महीना, हम तो कह रहे हैं कि आजादी के बाद से ऐसा कोई भी मिनिस्टर नहीं हुए जिसके पास इतना विभाग रहा हो और टोटल बोझ लेके चले, सारा विभाग का फाइल रखा रहता था, अधिकारी टटराते रहते थे, संचिका पर दस्तखत नहीं हो पाता था, सैकड़ों हजारों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं राज्य में। अब चूंकि विभागों का बंटवारा विस्तार के बाद होगा और निश्चित रूप से बिहार में जो क्योंकि विकास की गति थी, जो मामले पेंडिंग थे वो सारे मामले, ये जो हम लोग का केंद्र और राज्य दोनों में हम लोग की सरकार है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जो सरकार है वो बिहार के हित में उचित काम करने का काम करेगी।
देखिए केंद्र में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है और बिहार में जो एनडीए की सरकार, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बिहार हित हो या फिर केंद्र के हित में हो काम करने का काम करेगी। ऐसे में नियोजित शिक्षकों को लेकर क्या कुछ कहते हैं बीजेपी विधायक पवन जसवाल, आपने सुना है, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो भी मुद्दा होगा, जो भी विषय होगा, उसका निराकरण किया जाएगा। ऐसे में सम्राट चौधरी ने कल वार्ता की है और इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री मजे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विजय चौधरी भी निराकरण करेगा। तो फिलहाल पवन जसवाल की आपने तमाम प्रतिक्रिया सुनी और भी तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत